अलहमदल रबीआल वसलम सैदिया सैदिन व मौलाना महमद वहीबारक वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनीद इकबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असलकम एक बार फिर नाजरीन आपको पर नूर सुबह सुब नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमद कहता हूँ और आइए ये बिला तोवक् चले हज़रत अनीस महम्मद बरकत रहमा की तारीफ़ अस्मा नबी करीम सल वसलम से रसूल रसूल सल्ला वसलम का एक मुबारक पढ़ने और सुनने की सदत हासिल करते हैं सैदुना अलमोक़िन सलील वसलम हमारे सरदार अल्लाह ताली पर कामिल यकीन रखने वाले दरुदोसम विजय अल्लाह उसम पर आप अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और साहबा कराम रजवानल्लाजमइन पर हज़रतमर फ़ारूक़ रजील्ला तुस् रिवायत है जजरीम सल्ला वसलम ने शाद फ़रमाया कि अगर तुम अल्लाह ताली की ज़ात पर उस तरह तवक्ल और यकीन रखो जैसा कि तवकुल और यकीन का हक़ है तो अल्लाह तबारक तुम्हें इस तरह रिस्क इनायत फरमाएगा जैसा कि परिंदों को रिस्क अता फ़रमाता है कि वह सुबह सवेरे खाली पेट निकलते हैं और जब शाम को वापस लौटते हैं तो पेट भर कर आते हैं जना जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज इनशा बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तु होगी क्योंकि आज सूर्य नहल की आयत नंबर अड़सठ और उनहत्तर पर इंशाला बात करेंगे आउजिल्ला शवानरजीम बिसमर रहीम और आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ख्याल डाल दिया कि तू बास पहाड़ों में अपना घर बना घर बना और बास दरख्तों में और बास छपरों में भी जिन्हें लोग छत की तरह ऊँचा बनाते हैं और उनतीवी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि पस्तु हर किस्म के फलों से रस चूस कर फिर अपने रब के समझाए हुए रास्तों पर जो इन फलों और फूलों तक जाते हैं जिनसे तूने रस चूसना है दूसरी मक्खियों के लिए भी आसानी फराम करते हुए चला कर इनके शिकमों से एक पीने की चीज़ निकलती है वो शहद है जिसके रंग जुदागाना होते हैं इसमें लोगों के लिए शफा है बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है नाजिन कराम शहद खाते वक्त कोई शख्स इस कारखाना कुदरत की वसत और सालायत का अंदाज़ा कर ही नहीं सकता जिस कारखाने में कारकुन लाखों की तादाद में और मक्खियों की सूरत में एक प्रॉपर मेकनिज़म पर काम करते हैं और अल्लाह की अदा करदा ताकत से शिफा की सूरत में शहद तैयार करते हैं यानी गज़ा की तलाश और शहद तैयार करने के लिए शहद की लाखों करोड़ों मक्खियाँ नाज्रीन सुबह के मलगजे अंधेरे में मलगजा कहते हैं बुनियादी तौर पर ग्रेस जिसे आप कह लीजिए कि थोड़ी सी रोशनी है और थोड़ा सा अंधेरा है यानी उस अंधेरे से रात का अंधेरा फैलने तक मुसलसल मसरूफ़ रहती हैं ये मक्खियां अपने छत्तों से फलों और फूलों तक हजारों चक्कर लगाती हैं फूलों का मरकजी हिस्सा जहां जरदाना मौजूद होता है उनकी मंजिल हुआ करता बड़ी इंटरेस्टिंग ये गुफ्तगु है शहद की मक्खी जब तकरीबन सौ फूलों का रस चूस लेती है तो उसे अपने छत्ते में वापस लाकर उल्टी कर दिया करती है फिर कारकुन मक्खियां इसमें अपना लुआब दहन मिलाकर इसे शहद में तब्दील कर देते हैं शहद की मक्खियां नाजर आम फलों और फूलों के अलावा सब्जियों के फलों से मतलब फूलों से भी बाकायदा रस को हासिल किया करती हैं और इनका जरदाना भी जमा किया करती हैं किसी इंसान के लिए नाजरीन जहन में रखिए यह अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है कि वो जो शहद खा रहे हैं इसमें कितनी अकसाम के फूलों का किस कदर रस शामिल है शहद की मखियाँ जब बागों और खेतों से वापस अपने छत्ते में पहुँचती हैं तो सिपाही किस्म की मखियाँ उन्हें बाकायदा चेक करती हैं यानी सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ करता है और अगर, अगर अपने साथ किसी किस्म का वो जहर का मादा लेकर आती है तो कोई मक्खी मुजर सेहत अज्ज़ा अपने साथ नहीं ला सकती यानी वो जो सिक्योरिटी पर मुतयन मखियाँ होती हैं वो उन्हें दो टुकड़े करके फेंक दिया करती हैं अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात यह कि जो उनकी कुनों की तादाद जरा सुनिए मुख्यमंत्री छत्ते की तैयारी के लिए खाम माल की फरा डिजाइन के मुताबिक तमाम खाने जो है वह छह पहलू और एक ही साइज के बनाना गजा की तलाश और फराहमी नौमूद की परवरिश छत्ते की हिफाजत करना इसी तरह से सर्दियों और गर्मियों के मुख्तलिफ दर्जात के यानी दर्जा हरारत जो होते हैं उसमें बाकायदा जो है वो छत्ते के अंदरूनी दर्जा हरारत को एक मखसूस टेम्परेचर पर बरकरार रखना ये सारे हैरान कर देने वाले काम बगैर टीम वर्क के मुमकिन नहीं होते इसी तरह जहाँ हजारों कारकुन काम कर रहे होते हैं वहाँ एक दूसरे से रबता भी नागजी हुआ करता है इसलिए अल्लाह तबारक ताली ने शहद की मक्खियों को एक मुनफरद की मवालाती यानी निज़ाम के तहत एक सलाहियत अता की है कि उसकी मदद

या है लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग आज गुफ्त होने वाली है कि आपको आ और आपको पता चलेगा कि हमारे इजहार किया है हमारे साथ इस वक्त दो शख्सियात मौजूद हैं जो यकीन केमताज़ आलमदीन है मेरे दिल के बहुत करीब है जनाब मुफ्ती मोहम्मद फारुकरी साहब तोशी फरमा है दूसरी शख्सियत जनाब मुफ्ती खलील अहमद यूफी साहब तो शीफ फरमाए दोनों अहबाब को असला खुशा और आइए साहब आगाज करते हैं सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आज बात की जाए ये जो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू है और इस पर आगे जाके बात करते हैं लेकिन मुतलकन जो वही है उससे क्या मुराद मुफी साहब एक तो ये बताइए और अल्लाह के निज़ाम में वही की अहमियत क्या है, ये भी फरमाइए और अगेन वही बात कि ये किन किन पर की जाती है यहाँ से मेरा ख्याल आगाज़ फरमाइए बस्मानर रहीम बहुत अट्रैक्टिव टॉपिक है और बड़ा मालूत मालूम अफजा आज का है और जिस सवाल को आपने सबसे पहले उठाया है वही से मतलब ये भी बहुत अपनी जगह अपनी नोयीत का इम्पोर्टेंट सवाल है लफ्ज वही, इसका जो शरा के अंदर माना है वो ये है कि अल्लाह ताला जो कलाम अपने नबियों पर नाज़ुल फरमाता है उसे वही कहते हैं और अल्लाह ताला जो तबियों पर कलाम उतारता है उसकी फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ूरतें होती वही के नज़ोल की जिसका ज़िक्र शुर शूरा की आयत नंबर इक्यावन में अल्लाह ताला ने खुद फ़रमाया और इसकी मज़ीद डिटेल अदीस में भी मौजूद है अल्लाह तरमाया व माकान अली बशर एक्मा वाहिया किसी आदमी को ये नहीं पहुँचता ये उसकी शान नहीं है ये हैसियत नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम करे अच्छा ओह ओह हाँ, वाह या मगर वही के जरिए ठीक अच्छा ठीक अल्लाह किसी से कलाम फरमाएगा अशर में से हाँ, हाँ, हाँ। वही के जरिए फरमाएगा वाह आओ में वाई हिजाब या हिजाब के पीछे से ठीक जैसे हजरत मूसा ले कला ठीक है युरसिला रसूला या अल्लाह उनकी तरफ कोई फ़रिश्ता भेजेगा जो फरिश्ता उन अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा। सुबह अल्लाह और फरिश्ते का ये अल्लाह का पैगाम लेकर आना भी अम्बिया के साथ ख़ास है अगर कोई और दावा करे तो उसका दावा मरबूत होगा क्योंकि ऐसी ना कोई मिसाल है ना ऐसा दीद ने बताया है कि फरिश्ता पैगाम इलाही लेकर नबियों के अलावा किसी और के पास जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं हदीस में हज़तमोमिन सई दाइश सदीक़ा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वसल्लम आप पर वही किस तरह उतरती थी हाँ तो अल्लाह के रसूल असल्लाम ने इरशाद फरमाया कि जैसे मतलब हम हमें समझाने के हमें समझाने के लिए ठीक है जैसे एक घंटी नहीं बजती वो आवाज़ इस तरह आती थी ही वो आवाज़ ख़त्म होती थी तो मेरे दिल में कलाम आ चुका होता सुबहान अल्लाह सुबहान ये भी एक तरीका वही का है सुबहान अल्लाह ये जो फरमाया गया कि हमने शहद की मक्खी की तरफ वही फरमाई तो वही का हकीकी माना तो वही था कि नबियों की तरफ कलाम है इसके अलावा वही का लफ्ज़ इल्हाम और अल्का के माना में भी आता है अच्छा ठीक है इसी बात को दिल में डाल डाल देना ठीक है मजाजी तौर पर इस पर भी वही का लफ्ज़ कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकाम पर बोला गया ठीक है जैसे इस आयत में फरमाया गया वबू का इलन नहल तो यहाँ पर लफ्ज़ तो आया है कि रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही फरमाई ठीक मतलब इसका यह है कि उसके दिल में ये बात डाली ठीक अब शहद की मक्खी के दिल में जब अल्लाह ताला ने ये बात डाली तो ये उसी बात का असर है कि शहद की मक्खी एक पाबंदी के साथ एक मखसूस तरीक़े के साथ फूलों से रस इकट्ठा करती है वो छत्ते बनाती है दरख्तों पर पहाड़ों पर घरों में ठीक और फिर रस इकट्ठा करके वहाँ आकर उनती है तो वो कतरे शहद में तब्दील हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ने जो ये सारा तरीका उसको छते बनाने का बताया जो किसी वही के जरिए से बताया जो किसी माहिर इंजीनियर हाँ। की महारत का एक खूबसूरत मंजर पेश कर वो भी नहीं पहुंच सकते सर नहीं पहुंच पहुं पहुं सकते। लेकिन इसमें एक बात सारा के करने, हाँ। करने का प्रोसेस है तो ये सब कैसे हो रहा है हमने उसके दिल में ये वही अच्छा अब जरा एक आम समझने वाले के लिए ताकि आम सतह पर हम बात को समझा सकें यहाँ पे आके मुझ जैसा तलब इम कन्फ्यूज ही हो जाएगा कि ये वही से मुराद अगर वही वही है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु सलील वसलम पर नाजिल हुई या इस वही से मुराद वो इल्का है या इल्हाम है क्या है क्योंकि मुझे ये समझना ज़रूरी है जब मैं कुरान पाक पढ़ाऊँ तो कि ऐसा ना हो कि मैं गलत मलत कर दूँ इसको कि मैं इसको वो वही समझना शुरू कर दूँ तो वही से मुराद यहाँ पर क्या है और दूसरा ये कि इल्का क्या होता है इल्हाम क्या होता है इसको भी ज़रा सा और किन किन पर होता है जी मैं पहले भी ये बात थोड़े से तखसा अर्ज़ कर चुका हूँ फिर अर्ज़ कर रहा हूँ अल्लाह अपना कलाम नबियों पर उतारे ये है वही का शर् माना ठीक है हम जो शरीयत में बात करते हैं कि अल्लाह ने वही नाजिल फ़रमाई उससे यही माना मुराद होता है कि अल्लाह ने अपने नबियों पर कलाम उतारा ठीक हो गया दूसरा इसके अलावा जहाँ कहीं किसी वली के लिए किसी और मखलूक के लिए लफ़ वही का इस्तेमाल होता है इसका मतलब है कि अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली इल्का कर दिया यहाँ पर आम जो ये ईसायत में है या दीगर हयावानात के लिए कुरान में वही आया है या हजरत मूसा इस्लाम की वालदा के लिए आया वह मूसा तो वहाँ पर भी वही से मुराद है दिल में डाला मुरादी मुरा दिल में डाल दिया ठीक है तो यहाँ भाई यही माना है कि दिल में डाल दिया इसके अलावा कोई और माना नहीं है कि अल्लाह ने उस पर कोई कलाम उतार दिया नहीं वो सिर्फ नबियों के साथ खास है ठीक यहाँ माना है कि दिल में डाला बिल्कुल ठीक बुद्धि साहब बहुत खूबसूरत तमीद यानी इससे एक बात की तो वजाहत हो गई कि वही एक तो क्या आप वहीं से मुराद क्या है इल्का क्या होता है इल्हाम क्या होता है और ज़ाहिर किन किन लोगों पर अब आइए सूर नहल की तरफ <laughs> आयत नंबर अड़सठ और उनत्तर जिसका तर्जुमा मैंने जिस वक्त जो है वह अपना पढ़ने की शादत हासिल की इसका पस मंज़र और इसका शान नज़ूल बताइए बसम वसलात वाम जुनेद भाई अगर हम इसके पस मंज़र की तरफ़ जाए तो क़ुर मजीद उस कौम की तरफ उतरा है जो बुतों की इबादत करते थे और उनके सारे ही अकायद धर्म भरम थे ठीक है वो इस दुनिया को ही तमाम ज़िंदगी समझते थे और इसके बाद किसी और ज़िंदगी के कायल नहीं थे नहीं थे उनको शबहत थे कि जब इस्लाम ने उनको ये बताया कि अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा तो सबसे पहला सवाल उनके जहन में ये आया कि हम देखते हैं कि जब मैत को कब्र में दफन कर दिया जाता है और इसके आज़ा मट्टी के अंदर मिल जाते हैं तो फिर कैसे मुमकिन है कि उनको दोबारा इकट्ठा किया जा सके तो ये जो शुबा उनके दिल में था उसके लिए अल्लाह आयत नंबर पैंसठ छियासठ सरसठ अड़सठ और उनहत्तर बयान फरमाई और पांच आयत में मजमून समझाया कि देखो हम कादर मुतलक हैं हम इस मुर्दा को जिंदा इस तरह कर सकते हैं कि जैसे हम आसमान से पानी बरसा के जमीन को जिंदा कर लेते हैं बंजर जमीन होती है पानी बरसता है तो खेती पैदा हो जाती है ठीक है दूसरे नंबर पर फरमाया इन जानवरों की तरफ गौर करो वह इन नलकुम फिलब्र इन में तुम्हारे लिए नसीहत है, इल्म है। हा हम तुम्हें दूध पिलाते हैं जो सेंटर से निकलता है और उसके एक तरफ खून है दूसरी तरफ गिलाजत है ना खून का रंग आता है ना गिलाजत का जायका आता है हमने कितना क्वालिटी वाला पिलाया क्या हमारी शान है कि हमने चीजों को आपस में मिक्स नहीं होने दिया ये आयते इसके बैकग्राउंड के अंदर मौजूद हैं अल्लाह तला फरमाना चाह रहा है कि मैं इतना कादर मुतलक हूं कि जब तुम मट्टी के अंदर मिल जाओगे मैं तुम्हें कंटिन्यूटी में में है है जी बिल्कुल हो रही Allah और समझाया जा रहा है कि तुम किसी भी कैफियत में चले जाओ तो मैं तुम्हें उससे बाहर और फिर इस आयत में जो तीसरी शायद समझाई गई वो ये कि देखो शहद की मक्खी को कि वो कड़वा मैला कुसैला हर तरह का रंग चूस के अपने अंदर मिक्स कर लेती है तो मैं उसको कैसे तब्दील करके मीठा बना के ले लिया <coughs> <coughs> क्या रिफाइनिंग फैक्ट्री अल्लाह <coughs> तबारा अल्ला नहीं है छोटी सी मक्खी के अंदर क्या बात, है। है। क्या बात और अभी इंट्रो में भी ये बात हुई मुफसरीन ने भी इसको लिखा कि अल्लाह ताला ने उनको ये कानून समझाया एक ही मक्खी है उसके एक पार्ट में शहद है और दूसरे में अपनी हिफाजत का सामान भी मौजूद है अच्छा लेकिन अल्लाह ताला उनको आपस में मिलने नहीं देता अल्लाह तो जब इंसान अपनी कब्रों में चले जाएंगे तो बहुत सारे अहबाब एक एक कब्र के अंदर मौजूद होंगे अल्लाह ताला फरमाता है मैंने इनकी किताबें मुकर की हुई हैं किसी का कान भी दूसरे के साथ नहीं मिलेगा किसी का नाखून भी दूसरे के साथ नहीं मिलेगा बाल का एक जर्रा भी किसी का किसी को नहीं लगेगा अल्लाह बल्कि वो परफेक्ट इंसान जो कब्र में उतारा गया था अल्लाह ताला तक अपने कुदरत कामिला से वैसे ही निकाल लेगा अल्लाह और फिर ये भी हमें समझाया इसके अंदर हमारे तो कहान है हमारे मुफसरीन ने यह लिखा कि कभी हादसाती तौर पर इंसान का को कोई उज्व काट दिया जाता और फिर उसको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाता इंसान फौत होने के बाद कहीं और चला जाता और कभी ऐसा भी होता है कि हादसाती तौर पर यह बिखर जाता है कुरान मजीद ने यह तमाम सूरत हाल बयान करके बता दी कि अगर कोई इंसान आधा किसी मखलूक के जिसम में चला जाए आधा किसी मखलूक के जिसम में चला जाए जल के राख हो जाए मट्टी में मिल जाए जिस भी तरह इसकी जिसम की तकसीमकारी खत्म हो जाए रब कायना जल्ला जलालू की कुदरत और सलाहियत है कि अल्लाह फिर इसको इकट्ठा करके दोबारा नबी सलम की एक हदीस मुबारक है आगा करीम सल्लाम ने फरमाया एक बंदा था जो बड़ा गुने गाह था अच्छा उसने अपने बेटों से कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग लगा दे बिल्कुल सही फिर मेरी राख बखेर देना उसके हुक्म के मुताबिक बेटों ने ऐसा ही किया रब कायनात जला जलाल ने फिर उसको अपनी कुदरत कामिला से इकट्ठा कर लिया हाँ। जब उससे कलाम फरमाया तो जिंदा हुआ बोला तो कहने लगा मौला इसी इस से तो मैं डरता था अल्लाह तो मेरे कानाडामे ऐसे थे कि मैं तेरे सामने खड़ा होने से डरता था हाँ। तो नबी सल वसम ने फरमाया रब ने इतनी शफकत फरमाई उससे फरमाया अगर तू मेरे सामने खड़ा होने से डर गया तो मैंने तेरे सारे गुना माफ अल्लाहबर इस्लाम ने यह बताया है ये मिसाल इसलिए अल्लाह तला ने समझाई है ताकि काफ़िरों को कुफ़र ख़त्म हो उनके शुभहात ख़त्म हो वाह और वो इस्लाम की तरफ और इसमें एक और बात मुफ्ती साहब जो बड़ी अहम तरीन है जैसे अभी गुफ्तु फरमा रहे थे अब देखिए ना मैं तो मैं बेसिकली जो है अल्लाह तबारक तो की शान मतलब हम तो क्या बयान कर सकते हैं हमारी औकात क्या लेकिन क़ुरबान जाइए अपने रब की शान पर एक पहलू तो वो जो कि ज़ाहिर बयान कर रहे थे कि जब ये हम सिर्फ अगर उन जानवरों के थनों के अंदर दूध को ही देख लें कि वो किस प्रोसेस के तहत आ रहा है एक तरफ खून है एक तरफ गोबर है और दरमियान से अल्लाह तबरक ने साफ और मुसफ़र दूध जो है वह मैं अता किया जिसमें तो हमारे लिए शिफा है अब आइए ज़रा उससे आगे की बात करते हैं <laughs> और जो बड़ी इंटरेस्टिंग इस एतबार से ये कम्युनिकेशन की दुनिया है मुफ्ती साहब जी और लोगों को लॉजिकल बात मतलब जो है बड़ी समझ आती है आज जब तक आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन ना करें और आपके पास जिसको आपने मतलब रबता करना उसका नंबर ना हो और आपके पास पूरा सेटेलाइट का निज़ाम मौजूद ना हो बूस्टर्स ना लगे हुए हों और पूरी कनेक्टिविटी और सिग्नल्स ना उस वक्त तक आप डिले मतलब उससे रबता नहीं कर सकते ये एक इंसान की मोताजी है अल्लाह तबारक शान इससे कितनी मावरा कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक अभी मक्खी की बात हो रही है अभी और तो बात हो ही नहीं रही यानी करोड़ों अरबों खरबों और पता नहीं कितनी तादाद के अंदर मक्खियाँ अल्लाह तबारक ताली जो शहद की मक्खी की तरफ जो है बाकायदा इस आय मुबारक में फरमा रहा है कि हम वही फरमाते हैं और फिर वो रब की कहे हुए पूरी डायरेक्शन के ऊपर चलती हैं यानी ये रब की शान जरा बयान कीजिए क्या शान है कि वो अरबों खरबों की तादाद में और हर एक को मैसेज पहुंच रहा है अल्लाह अल्ला का ये चलना कैसे बताइए जरा जी बिल्कुल जो आपने दुरुस्त फरमाया कि अरबों खरबों की तादाद या इससे भी ज़्यादा ही क्यों ना हो यकीन मेरे रब ताला की शान बड़ी वरा है और उसकी कुदरत बड़ी मजबूत है उसके महज इरादा फरमाने से ही कायन वजूद में आ गई सुबह उसके बाद इरादा फरमाने से ही दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजीज़ का हूर गुज्तर दाइयों में शुरू हो गया सुभान तो उसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है हा, हा। वो इरादा फरमाता है उसने मखियों के दिलों के अंदर सारा प्रोसेस डाल दिया अब इसमें एक और सबक का पहलू हमारे लिए ये है कि एक छोटा सा है आवान और मक्खी है जिसे इंसान हकीर समझता है बावजूद इस कसरत के वो अल्लाह ताला के जो उसने इनके दिल में बाढ़ डाली है उससे इधर उधर ज़रा भी इन हराफ नहीं करती अल्लाह के हुक्म से इधर उधर नहीं जाती रहती उसी ट्रैक पर है जिस पर उन्हें अल्लाह ने लगाया है आहा। तो इंसान जो मखलूक है वाह इसका किस दर्जा ये फर्ज और जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने रब के हुक्म पर चले और उसी ट्रैक पर सुभा, रहे सुभान ये इसमें पैगाम ये भी है ये पैगाम है ना हाँ। और आप इसके साथ ये देखें वो तो एक मक्खी है इंसान को अकलो दानिश और अशरफ अल-मख़लूकात होने का और फिर नयाबत अलाही का मनसब भी दिया गया वाह 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 इसकी कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी बनी इसके साथ देखें इस आयत का अगर हम तर्जुमा करें तो इसमें मज़ीद अल्लाह ताला की कुदरत और शहद की मक्खी के ज़रिए उसकी अजमत व शान का जो, जो ूर हो रहा है वो भी बताइए अवहिला नाहली अनिल तखिदी मिनल जिबाई बुता अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में डाला कि तू पहाड़ों दरख्तों पर छत्ते बना घर बना कुली मिन मिनकुल समारात फिर तमाम फलों में से तू खा फलू की सुबूला रबी का जूला ला दुलूला। फिर तू अपने रब के रास्तों पर चल जो तेरे लिए नरम और आसान कर दिए गए आये आये हाय आये आये यखरुज मम बतून शराब हाँ अब जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा कुरान कह रहा है कि अब वो मुख्तलिफ़ फलों में से मुख्तलिफ किस्म के रस चूसती है अब इसमें भी थोड़ी सी डिटेल है कि क्या वो फलों में से रस चूसती है या फलों के ऊपर जो शबनम के कतरे गिरते हैं उन्हें चूसती है वाह लेकिन अक्सर महक्कीन की राय यह है कि वो फलों में से रस चूसती है ठीक वो चूसती है वो उसके अंदर जाते हैं वो रस वो पानी तो अल्लाह फरमाता है कि यखरुजु में बतून या शराब व मुख्तल हो लेकिन जब वो जाकर वापस अपने छत्ते में आहा। वो पानी निकालती है तो वो एक रंग बरंगे पीने के शराब पीने की चीज़ के सूरत में मुतमसल हो जाती वो वो शक्ल इख्तियार कर लेती है फी ही लिन्नास। लोगों के लिए अल्ला। शिफाव अल्ला। अल्ला। अच्छा जी देखें आज तक इतनी तरक्की होने के बावजूद इंसान ऐसी मशीन इजाद नहीं कर हाँ। जिसके अंदर वो मुख्तलिफ किस्म के रस डाले और उसमें से शायद निकले ऐसी कोई मशीन इजाद नहीं हुई इसी तरह इस तरह भी इंसान नहीं कर सका जो इसे पिछली आयत में बताया गया है कि एक जानवर है जैसे वो गोबर भी खाता है घास भी खा घास खाता है फिर मुख्तलिफ़ चारों की चीज़ें खाता पीता है निकालता गोबर है लेकिन उससे दूध भी निकलता है अल्लाह को अकबर अब उसके पेट के अंदर गोबर और ख़ून के दरमियान में से अल्लाह दूध निकाल देता है आहा। आहा। इसी तरह अब शहद की मक्खी मुख्तलिफ रस चूस रही है छोटा सा इतना छोटा सा हकीर सा जानवर बज़ाहिर है लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर से ऐसा लजीज खुश पीने का एक मादा निकालता है जिससे ना सिर्फ इंसान को पीने में लुत्फ होता है बल्कि कई लाइलाज बीमारियों से इसके ज़रिए शिफा किया जाता है क्या कहना? ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की शान है जो इस सारे प्रोसेस और मक्खी से ज़ाहिर होती है सुभान और इसके साथ साथ जिनेद भाई एक और बात अल्लाह आगे फ़रमाया इन नफ़ी ज़ाली का ल आया लया तन में या तफक् बेशक इसमें उन लोगों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं जो गौरव फिक्र करते हैं वाह अगर इसमें वह गौरव फिक्र करें उन्हें अल्लाह की कुदरत के बहुत करिश्मे नजर आएंगे तो 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 हाँ, शानों का मीना बाजार तो में नजर आएगा ऐसा ही। इस मक्खी के अंदर नजर आएगा ऐसा ही। यानी के वो ये सोचेंगे यार अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी तखलीकात एक तरफ इस छोटी सी मक्खी के अंदर जिसने इतनी कुव्वतें रख दी और जिसने इस छोटी सी मक्खी को इतना सलीका समझा दिया वो कितना अजीम वो कितनी बड़ी जात है उसका वजूद है इस तरह से भी गौर कर सकता है कि ये सब खुद कुछ नहीं हुआ बल्कि जिसने इसको ये सब सिखाया वो है वाह तो वो ही रबुल इज़्ज़त है वाह तो ये मक्खी अच्छा ये एक पहलू है अब इसकी इंजीनियरिंग के पहलू से इसे देखा जाए तो वो एल इलम के लिए तय और रोशनी और इंजीनियरिंग तो साहब मतलब बात यह है कि वो जो मैंने कहा ना कि अल्लाह तबारक आर्किटेक्चर का ये इतना हसीन शाहकार और इतना अजीम शाहकार है तस्वूर तो ही नहीं कर सकते लेकिन अगेन वही बात अपनी और मेरी औकात को समझने की कोशिश करें मुझे मौला कायनत का यहाँ पर कॉल जो है वो याद आ गया आप देखिए साहब के इंसान की जिंदगी के अंदर दो चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं एक उसका लिबास जैसे वो पहनता है जो लिबास होता है और एक उसकी खुराक बड़ी अहमियत रखती है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं अब आप सोचिए कि दुनिया में सबसे बेहतरीन कीमती और नरम लिबास होता है वो किसका बनता है रेशम का बनता है ना और दुनिया का जो सबसे बेहतरीन मशरूब है वो क्या कहलाता है शहद कहलाता है अब मौल कायनात क्या फरमाते हैं ये ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान का सबसे कीमती लिबास रेशम के कीड़े का लुआब है रेशम के कीड़े का लुआब है और उसका जो नफीस लज्जत बख्श मशरूब है शहद की मक्खी का फजला है इसका मतलब यह है कि इस दुनिया की औकात और इंसान की औकात ये जो मौलाए कायनात हमें बतलाना चाह रहे हैं कि दुनिया की हकारत बयान करते हुए कहते हैं कि जो कीमती लिबास है ना बुनियादी तौर पर तुम्हारा वो एक जानवर का थूक है और जो कीमती तरीन मशरूब है वो भी एक जानवर का फजला है उसके बाद भी हमें बड़ी तमकाना था दरूद पाक सरकार की बारगाह में उनकी आल की बारगाह में पेश कीजिए लौट के आपको बतलाते हैं कि जो पूरा एक मरबूत मेकानिज़म है ये जो आर्किटेक्चर का हसीन शाहकार है इसमें गुफ्तगु करेंगे दुरूद पाक जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सूर्य नहल की आयत नंबर अड़सठ और उनहत्तर की रोशनी में गुफ्तु हो रही है जिसमें अल्लाह तबारक ताली ने शहद की मक्खियों से बाकायदा कलाम फरमाया उनकी तरफ वही फरमाई उन्हें घर बनाने छते बनाने का हुक्म दिया और फिर शहद की एक पूरी तरतीब जो है अल्लाह तबारक ने उसमें बयान किया जरा हम बइए उस, उस मकानज़म पर बात करते हैं यानी उस शाहकार पर जो आर्किटेक्चर का मतलब हसन तरीन शाहकार है कि रब के हुक्म के मुताबिक किस तरह से शहद की मखियाँ जो हैं एक बड़े ही मजबूत निज़ाम के तहत अपना घर भी बनाती हैं और क्या शाहकार बनाती हैं फिर ज़ाहिर शहद तैयार करती हैं यानी बियॉन्ड दी इमेजिनेशन है लोग ना साहब के कि किसी के मतलब ये समझ में ना आने वाली बात है बताइए ज़रा जुनेद भाई एक बात करके फिर मैं अल्लाह ताला तला जलालू के इस निज़ाम की तरफ़ आता हूँ शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने यह हुक्म फ़रमाया है कि तूने दरख्तों पर छतों पर अपना घर बनाना है उसने रब कायन की बात मानी अमा कहते हैं कि उसने दो काम किए एक अल्लाह की बात मानकर अपने अपनी छतें ऊपर बनाए नीचे नहीं बनाए और दूसरा जब फूलों से फलों से रस चूसा और वहाँ आए रस लेकर अपने छतों तक तो सारा रास्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरुशरीफ़ पड़ता अल्लाह दो काम उसने खूबसूरत किए तो अल्लाह ताला ने उसके लुआभ में उसके पानी में शिफा रख दी अल्लाह अकबर अगर बंदा इंसान अल्लाह ताला के तहकाम माने उसकी ताब फ़रमानी करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूषरी पड़े तो फिर जब वो करता है ना बिसमान तो अल्लाह ताला उसके पानी में भी शिफा रहा है अकबर ये बात है मालिक की बात मानने और अल्लाह ताला जल्ला आलू ने जो सारा ये सिस्टम बनाया है इसमें जो रिसर्चर हैं वो ये बताते हैं अगर इसको करीब से देखा जाए शहद की मक्खी को तो बिल्कुल ख़ुदबीन के बराबर अल्लाह ताला ने इसकी बारीक बारीक आंखें बनाई और निगाह इसकी इतनी तेज़ है कि दूर रास्ते का तयन भी करती है रास्ते को याद भी रखती है और जिन रास्तों से ये गुजर के जाती है वो इनको भूलते नहीं है। अल्लाह और फिर ये फलों पर बैठ के उनका रस चूस के अपने अंदर स्टोर करके जब वापस अपने छते में आती है तो जो छते बनाने वाली मक्खियाँ मौजूद हैं उन्होंने ना तो मुसलस किस्म के घर बनाए होते हैं बल्कि मुसदस किस्म के घर बनाए होते हैं जिसके छे किनारे हैं और कोई भी हिस्सा दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होता उनका साइज एक जैसा होता है फिर वहां की चीज स्टोर की जाती इसको हम अगर परखना चाहे ना तो हम ये देखते हैं कि जो दूध का डिब्बा बाजार से मिलता है ना उसके अंदर कितनी किस्म के इन्होंने चीजें लगाई होती हैं उसको महफूज करने के लिए जबकि रब कायनात जला जलालू ने ऐसी शय इनको दी है खुली है सामने से इसके बाद भी हर स्टोर वाली शहर के अंदर महफूज है।, जल्ला जल्ला है सामने से शायद खराब है। नहीं होता खराब नहीं होता जब तक वो छत में है और फिर अल्लाह तला जलालू ने जो इसको शहद की मक्की को खूबियां अता फरमाई हैं कहते हैं ये बंदे के अंदर जरूर होनी चाहिए आठ खूबियां हैं जिसको अलामा इसमाइल हकी रहा ने तफसर है रोहयान शरीफ में नंबर एक फरमाया शहद की मखी अपना खुद बनाती है वाह शहद की मखी अपना किसी पे डिपेंड नहीं करती होती है और अपना खुद करती होती है। है। दू दूसरे नंबर पर फरमाया जहीन, फतीन और जकी होती है अल्लाह तला ने इसको फताना तथा फरमाई होती हुँ। हुँ। तीसरी इसके अंदर क्वालिटी यह है कि ताहद इमकान ये किसी को तकलीफ नहीं देती जब कोई तंग करता है तो फिर यह अपना बचाव करती है वैसे खुद किसी को तकलीफ नहीं देती चौथे नंबर पर फरमाया ये मेहनत खुद करके दूसरों को नफा देती है और अगर हम बुखारी पढ़े तो ये बड़े लोगों के औसाफ है कि जब नबी सलान फरमाया तो सईद खदीजतुल को बरा रजी अल्लाह तर्ज करने लगी हजू अल्लाह ने आपको यह वैरों के लिए मेहनत करते हैं तो इसके अंदर अल्लाह तला ने यह क्वालिटी रखी और पांचवी आज के दौर की सबसे बड़ी कमाल बात यह है वो क्या अलामिल हक्की फरमाते अल्लाह ताला ने इसको हमेशा गंदगी से दूर रखा हुआ mm. पाकिजगी की तरफ रहती है छठे नंबर पर फरमाया ये हमेशा हलाल खाती है कभी हराम शहर के करीब कभी वा। मुर्दार के ऊपर नहीं गई हमेशा अल्लाह ताला की कुदरतों से ये फैजियाब होती mm. है सातवें नंबर पर फरमाया कि ये दूसरों को नफा बख्शती है mm. और आठवें नंबर पर सबसे बेमिसलो बेमिसाल बात बयान की अपने अमीर की इतात करती है मक्खी अपने अमीर की इतात करती है कि जो इनका सरदार होता है उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करती <सथ> और फिर इसमें अल्लाह ताला के बंदों की शान बयान करते हुए इसमा हकी ने रख... यह बात फरमाई अगर कोई रब कायनात जल्ला जलालू की इतात करे हलाल खाए और हराम से दूर रहे तो अल्लाह ताला जल्ला जलालू जल्ला उसको अपने कुर्ब ख़ास में जगाता अल्लाह इसमें एक बात और मती साहब आप देखिए मैं जब ये पढ़ रहा था रिसर्च तो मैं तो सच्ची बात है अंगुश बदंदा अभी तक हूँ एक तो ये अल्लाह तबरक तौर ने दो इंटीने जो हैं उसको अता किए हैं जो उसके नेविगेशन का पूरा काम उसके लिए कर रहे होते हैं फिर उसको सूंघने की ये सलाहियत दी कि तकरीबन कोई दो मील के फ़ासले से उस सेब की खुशबू को फल की खुशबू को सूंघ लिया करती तुछ तुछ है।, तुछ है और एक बात बड़ी अमेजिंग जो कि मुझे बड़ी हैरान कर गई और आप उसको आप दोनों अफराद रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है मतलब ये जो मतलब जब क्लासेज इंसान को लगते हैं तो इंसान को पता होता है कि अब मेरी बिनाई जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है आप सोचिए कि छह हजार अच्छे यानी लेंसेज एक आंख में अल्लाह ताला ने मक्खी को अता किए जो टोटालिटी में बारह हजार बनते हैं यानी वो आ, वो मक्खी जिसको आप देख नहीं सकते बारह हजार लेंसेज अल्लाह ताला ने उसकी आंख में अता किए जरा उसके जो वो, वो आर्किटेक्चर है उस पर बात कीजिए वो जो छह कोने क्यों हैं क्या वजह है वो जो छत्ता बनता है इंसान तो पहुंच नहीं सकता मुफसरीन ने इसके अंदर जो वजाहत हमें समझाई है वो ये है कि दो कोने वाला मकान होगा या तीन वाला होगा तो उसके अंदर जगह खाली रह जाती है और जब छह कोने किसी शह के बना दिए जाते हैं ना मकान के तो कोई जगह खाली नहीं रहती उसको अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत निज़ाम बख्शा है कि उसकी एक एक जगह अंदर इस्तेमाल होती है और कार है और फायदा मंद है और अल्लाह ताला ने उसको ये जो छह रुख वाला घर दिया है ये हमें बताता है कि अल्लाह ताला अगर मक्खी को उसके भरोसे पे अल्लाह पे भरोसे पे इतना खूबसूरत निज़ाम देता है तो बंदा रब पे भरोसा करके देखे बंदे के लिए क्या क्या नमते मौजूद हैं एक और बात उस पर भी कॉमेंट कीजिए और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग इस एतबार से कि शहद के छत्ते शायद में मतलब जो है वो आप ही देखिए चूंकि मोम से बनता है अल्लाह तबारक ने उसकी टेम्परेचर को उसका दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए क्या मेकानिज़म रखा कि मक्खी के जो पर हैं जो एक सेकेंड के अंदर कई मरतबा वो सैकड़ों मरतबा हिलाती है मतलब वो उस अपने परों से उस टेम्परेचर को कंट्रोल करती है ऐसा भी है जी ऐसा भी है क्योंकि शहद बेसिकली बुनियादी तौर पे ये अपनी हिदत रखता है और उसको ये सलाहियत दी और ये जो अल्लाह ताला ने उसको नेमत अता फरमाई ना कसरत से अपने पर हिलाने की जहाँ ये अपनी खुराक को स्टोर करती है वहां अल्लाह ताला ने इसको ये बतौर हथियार दिया है लोगों से अपनी हिफाजत करती है यहाँ मक्खी बैठी हुई है मैं बड़ी तेजी से भी हाथ इसकी तरफ लेके आऊंगा ना तो मेरे आने से पहले ये उड़ के यहाँ से चली जाएगी इसके अंदर सिस्टम अल्लाह ने इतना तेज़ लगाया हुआ है कि इंसान की ताकत से ये बाहर है। और फिर हुजूर तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है आप फरमाते हैं कि कयामत वाले दिन जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको बेबस साबित करने के लिए उनको जहन्नम में अजाब मक्खियों से देगा वाह तुम ये कुछ करते थे इतनी तो तुम्हारी ताकत नहीं थी कि तुम एक मक्खी से बच सकते और आप ये देखिए अल्लाह ताला ने एक और जो बड़ा शानदार इसमें मतलब हमें मैसेज दिया वो ये कि एक अमीर की इतबा करती जी है जी बिल्कुल हैं एक अमीर होता है इनका इनको लेके चलता है जिसको ये फॉलो करती हैं हज़ारों की तादाद में और एक और बड़ी आहत तरीन बात कि इंसान जो है अपना मुफ्ती साहब अब आइए इस इस बात की तरफ और ये अल्लाह ताला ने तेखन अगेन वही बात है कि इस कुरान को शिफा फरमाया शहद को शिफा फरमाया लेकिन उससे पहले जो इंतज़ाम किया यानी उन मक्खियों को जो है ये तमीज़ दे दी कि ये किसी भी तौर से शहद आलूदा नहीं होना चाहिए मतलब मैं पढ़ रहा था और मैं हैरत ज़्यादा हो गया कि इन्होंने अपना कॉर्डन ऑफ किया हुआ होता तो है उस छत्ते को मक्खियों ने एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम है कि अगर कोई जहर आलू शह जो है अगर कोई मक्खी लेके आए तो उसका एक सिक्योरिटी चेक होता है अगर वो लेके आए तो उसे वहीं पे जो उसे मार दिया करते हैं फेंक दिया करते हैं लेकिन वो जहर आलू चीज़ नहीं जाती क्यों जी रब ने वादा किया है इसमें शिफा है तो जहर इसमें शामिल नहीं होगा अब जरा ये बतलाइए और हम आँख बन करके ज़ाहिर शायद पीते हैं कि जब जब यह बात तय हो गई तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तो तबारक तौस तो में बेश बहा नेमतों के खज़ाने बीमारियों के इलाज के हवाले से रखे हैं बिल्कुल इस पर गुफ्तगू कीजिए इस हवाले से जी सोना नब्न माजा में एक हदीस है हज अबू हुरैरा से मरवी रसूल सलाम ने फरमाया मलवा शाहन हु बीमारियाँ दो किस्म की हैं जिसमानी और रूहानी कुछ मसाइब होते हैं कुछ आफात होती हैं कमाल की बात यह है कि शहद के अंदर ना सिर्फ जिसमानी बीमारियों से शिफा है रूहानी बीमारियों से भी शफा है सुबह भाई ये बताइए मेरे लिए बड़ी है माजा कीजूर तो ने अच्छा। सुबह के वक्त में शहद चाट ले हर महीने तीन दिन तीन के दिन सुबह के, के वक्त शहद चाट लेप हु अजीम बला उससे कोई बड़ी मुसीबत नहीं पहुंची अल्लाह अकबर पूरा महीना वो बड़ी मुसीबत से बचे भाई ये तो लोग सुन लें जो मुसीबत तो ले कर लें बस इस बात वाँ वाँ। ये इबन माजा में हदीस नंबर दो सौ पैंतालीस है अच्छा ये इसके मालूम हुआ कि शहद की शहद के अंदर रूहानी तौर पर बलाओं से प्रोटेक्शन भी है वाह 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 और और क्योंकि कुरान ने तो मुतलक कहा है ना कि इसमें लोगों के लिए शिफा है सुबह उसमें यह तखस नहीं है कि सिर्फ ज़ाहरा शिफ़ा है बातिनन शिफा भी हो सकती है दोनों पहलू इसमें मदे नज़र रखने चाहिए उस पर भी शिफा और तीन दिन करना है महीने में तीन दिन सिर्फ शहद चाटना है चाटना है वाह दूसरी हदीस पाक और ये भी इबन माजा में ही अच्छा। है। अच्छा अल्लाह के हबीब सर शही कुम भी शिफा तुम पर दो शिफाओं को दो शिफा देने वाली चीजों को पकड़ना जरूरी है अच्छा ठीक है दो चीजें जो शिफा देती हैं इनको जरूर पकड़ लो यानी यह एक हुक्म का दर्जा आप कह लें तरगीबी हुक्म है पहला फमायल दूसरा वाल कुरान शहद और कुरान सुखान दोनों शिफा देते हैं इन दोनों के साथ जुड़े रहो एक साहब हाजिर हुए या यारसूल्लाह मेरे भाई को बद हजमी हो गई है उसका पेट जल रहा है क्या कमाल है ने फैमै शहद पिलाओ वो फिर आ गए हजूर उसके तो वो बढ़ गया है दस्त बढ़ गए फैमै तो फिर शहद पिलाओ आया आयाजू उसके तो दस्त और बढ़ गए फिर हाजिर हुआ या यारसोल्ला उसके दस्त बढ़ गए तो मैं उसको फिर शहद पिलाओ तीसरी मैं फिर आया वो फिर हाजिर हो गए हजूर उसके दस्त और बढ़ गए अल्लाह के रसूल ने कदर जलाल के साथ फरमाया, अल्लाह का कलाम सच्चा है वाह! तुम्हारे भाई का पेट है। अल्लाह अल्ला पलट कर गए जाकर फिर शहद पिलाया फिर खुशी खुशी वो ठीक हो अल्लाह तिब्बा फरमाते हैं मुमकिन है उनके पेट में फजले की तादाद बढ़ गई थी जब पहले शहद पिलाया गया तो उसने उसके पेट को साफ़ किया ड्रेन करना शुरू किया ड्रेन करना आ, शुरू किया और जब चौथी मरतबा पिलाया तो फिर उनको मुकम्मल तौर पर सुबह शुभ अब देखिए कि ये बुनियादी तौर पर माखज़ हैं मम्बा हैं जिसमें उम्मत को बताया गया है सवा चौदह सौ साल पहले जब तिब के अंदर इतनी तरक्की नहीं थी रसूल वसल्लम का ये फ़रमाना और आज साइंस का उस सब की तस्दीक करना जदीद मेडिकल साइंस की तहकी तसदीक करना ये इस बात की लामत है कि शहद के हवाले से जो रसूल्ला ने फरमाया ये हुजूर की नबूवत की दलील है सुबह भाई क्या क्या एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ इसके अलावा मुतद फरमाया गया है कि ये स्किन की सफाई के लिए इसी तरह यादाश्त की बेहतरी के लिए कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए और मतदद जिसमानी अमराज से शिवायल लेकिन उस सब में मैं यही मशवरा दूंगा आप किसी तबीब से मशवरा किए बगैर यूज़ अच्छे ठीक है, है। क्योंकि हर बंदे का इंटरनल मिजाज मुख्तलिफ होता है बिल्कुल सही है आजकल शुगर की बीमारियां भी हैं बिल्कुल सही तो है। आप किसी तबीब से मशवरा लीजिएगा हम तो जाहिर है कि वो बताएंगे आपको यहाँ क्या क्या हमारे अतिब्बा ने लिखा है सेहतमंद दिल के लिए इसी तरह एक बेहतरीन और मीठी नींद के लिए भी शहद बड़ा कार आमद है वाह वाह अच्छा गले की तकलीफ में तो शहद एक सीर है वाह अक्सर हजरात जो पानी में शहद डालकर नीम गर्म पानी आ, आ, में और उसको यूज करते हैं उनके गले को बड़ा राहत बख्शता है लेकिन ही। ये भी आप तबीब के मशहूर सर में भी शामिल हूँ सर की खुशकी को दूर करने के लिए सर की खुशकी को दूर करने के लिए इसी तरह बहुत सारे मैदे के अमराज़ में हाँ शहद से मदद ली दी जाए तो कि आपने हदीस भी कुछ है बिल्कुल ठीक है लेकिन ये सब आप तबीब के मशवरे से यूज़ करेंगे कुरान और सुन्नत ने ये बताया है कि तुम पर शहद और कुरान के ज़रिए से शिफा लेना ज़रूरी है इससे मदद लो हम इधर इद, उधर जो इतने पैसे खर्च करते हैं दवाइयों पर तो हमें इन चीज़ों के करीब भी आना चाहिए जो फ़ितरत के करीब हैं और अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए इसे नफा बख्श बनाया है बिल्कुल ठीक अच्छा अब इसको ज़ाहिर एक, तो एक, तो एक पहलू हो गया बीमारियों के इलाज के हवाले से एक इसके ज़रा तब्बी पहलुओं पर बात करते हैं तबी फ़वद इंसान को शहद से क्या मिलते हैं और डिटेल इस पर गुफ्तु तो कीजिए लोगों को बताइए मैं चाहता हूँ कि हम बुनियादी तौर पर अपनी जो यंग जनरेशन खासतौर पर आप देखिए कि वो एक तो वैसे ऑर्गेनिक से दूर हो गई है और खासतौर पर शहद वगैरह से तो बिल्कुल दूर हो गए हैं उनको इस तरफ लेके आना चाहिए उनको पता चलना चाहिए कि शहद की अहमियत बुनियादी तौर पे क्या है फरमाइए जुनेद भाई हमारे जो नौजवान हैं ये शहर से दूर क्यों हुए हैं सबसे पहली वजह ये जानने वाली है इसलिए कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ तजबजुब है कि पता नहीं ये शहर खालिश है कि नहीं हाँ। ये सबसे बड़ा इस वक्त ये भी एक प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक है शहर हमें खालिश मिल रही है कि हाँ, बात तो इतनी चीज़ों की मिलावट कर दी जाती है और पानी के अंदर चीनी मिक्स करके रंग डाल के तो शहद पेश कर दिया ये भी ये भी जबकि अगर शहद सही तरीके से बना हुआ है और जेन्यन किस्म का है तो शुगर का पेशेंट भी शहद खाएगा तो उसको शुगर का प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा ये शहद की सबसे बड़ी नेचर है कि वो मर्ज बढ़ाता नहीं है मर्ज को कम हाँ। करता लेकिन है। उसकी नेचर उस वक्त काम करेगी जब वो नेचुरल हो जब वो नेचुरल हो बिल्कुल हाँ, सही है फिर अल्लाह ताला जल्ला जला जलालु ने इंसानी जिसम के अंदर बहुत सारे ऐसे मवाद भी रखे हुए हैं जिसको हम फासिद मादे कहते हैं ये बहुत सारा वर्क करते और जब ये ज्यादा हो जाते तो फिर ये इंसान को बीमारी की तरफ ले जाते तो जब इंसान शहद पीने का आदि होता है और वो शहद का इस्तेमाल करता है तो फासिद मादों की जितनी मकदार जिसम के लिए ज़रूरी होती है वो रहती है बाकी अल्लाह ताला शहद की बरकत से उनको ज़ायल कर देता था ये शहद का जिसम के अंदर एक बड़ा कंट्रोल निज़ाम है कि फासद मादों को फासद अजा को जिसम के अंदर से जायल कर देते फिर शहद पीने से हमारे यहाँ ब्यूटिशन जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ़ क्रीमें और पाउडर लगाते हैं जबकि अतिब्बा ये कह रहे हैं कि शायद पियो और फिर इसकी सही मकदार अपने तबीब के मशवरे से पियो तो जल्द खूबसूरत साफ शफाफ होगी किसी किस्म के कील मोके इस तरह की कोई शायद जिसम के ऊपर नहीं निकले बिल्कुल ठीक है अच्छा हमारे यहाँ एक और फ़लसफ़ा भी है वो क्या हम चीज़ों को मुख्तलिफ़ हैतों में इस्तेमाल करते हैं जबकि अल्लाह तला ने निज़ाम अपनी मर्ज़ी से रखा हुआ बिल्कुल सही गर्मी का मौसम आता है तो हम ठंडी चीजें इस्तेमाल करते हैं सर्दी का मौसम आता है तो हम गर्म चीजें इस्तेमाल जबकि अल्लाह के निजाम में देखें तो गर्मी के मौसम में उसने गर्म आम दिया सर्दी के मौसम में उसने ठंडे किन्नू दिए बिल्कुल ऐसा है अनार दिए अनार दिए इसलिए कि हमारा रब बनाने वाला ये बेहतर समझता है कि हमारी बॉडी को हमारे जिस्म को किस शाय की जरूरत तो ये जो मैं बयान करता सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी जो इंसान का मैदा है इसकी तख्लीकारी अल्लाह ने बनाई गर्म है बिल्कुल सही इसके अंदर अगर हम ठंडी शायद जानबूझ के और मकदार से ज़्यादा भेजेंगे तो निज़ाम इन हिजाम की तबाही के अलावा कुछ नहीं हो जो बंदा बहुत ज़्यादा ठंडे का ही इस्तेमाल करता है अन जवानी के अयाम जो ही क्रॉस करेगा तो सबसे पहले वो दिल का मरीज होगा तो शहद क्या करता है शहद जब गर्म अशिया के साथ अंदर जाता है नालियों के अंदर अंतुड़ियों के अंदर तो फिर वो अपनी कुदरती सलाहियतों का इजहार करके जो ठंडे पानी के इस्तेमाल से दिल की अंतड़ियाँ सुगड़ जाती है उसको उनकी नॉर्मल जगह पर ले आता तो इसे जो तबी तौर पर फ़वाद हासिल होते हैं सबसे ज़्यादा शहद पीने से हार्ट अटैक की शिकायत में कमी वाकई होती डॉक्टर ज़्यादा सजेस्ट करते हैं इसको कि जो हार्ट पेशेंट है वो शहद का इस्तेमाल करें ठीक है इसलिए कि अल्लाह अंदर दिल की बीमारियों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एक निज़ाम रखा हुआ फिर इसके बाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो तलीमत हैं उससे तिब्बा ने जो अखज़ किया बास बंदों की स्किन ड्राई होती और बाज बंदों की स्किन वेट होती uhum. तो जिनकी स्किन ड्राई है और उनको खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है हाथों पर चेहरे पे सर के अंदर तो वो पानी की तरह शहद को बिल्कुल पतला करके अच्छा। इसके साथ सर के ऊपर मालिश कर अच्छा मैंने तो अपने बड़ों बुजुर्गों को देखा है कि जब उनकी आंखें गर्म हो जाती थी सूज जाती थी तो वो शहद को पानी के अंदर डाल के आंखों में शहद भी डालते थी थी। डालते हाँ, 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 हाँ। इसलिए कि जब ये कह दिया कि इसमें शिफा है तो इसको जहां भी डालेंगे अल्लाह शिफा य था फरमाए और फिर जब इसका मसाज किया जाता है सर के अंदर तो वो खुश्की और इस तरह का जितना निज़ाम है उसको अल्लाह तला जलालू बेहतर फरमा देता है और खुश्की की से खत्म हो जाती है और फिर शहद की एक बहुत बड़ी सलाहियत यह है कि ये इंसान के अंदर निस्यान को ख़त्म कर देता है वाह निस्यान वजह किससे पैदा होता है निस्यान हमेशा हराम और गैर शरी हरक़ की वजह से निस्यान पैदा होता है बिल्कुल ठीक है इसकी मैं दो तीन मिसालें अर्ज करके फिर इसकी तरफ आता हूँ जब इंसान में हो जहाँ गिलाजत और निजास्त जाती हो वहाँ इंसान अपना लुआब फेंक दे या वहाँ बातें करे या वहाँ यूरियन पास कर दे तो ये सारी चीज़ें उसे निशान की तरफ ले जाती हैं इन कैफिया से बचने के लिए अपने एक तो इनकी एहतियात करे ऐसी हरकत ना करे और दूसरा शहद का इस्तेमाल करे अल्लाह ताला इसकी कु्वत यादाश्त में बड़ी तरक्की और इसको कु्वत ता फरमाता है जो ये याद करता है और दूसरा जहन और यादाश्त को मजबूत बनाने का शहद के बाद सबसे बड़ा जो सब है वो तकवा है हराम छोड़ दें ठीक आप जो चीज़ देखेंगे आप जो चीज़ सुनेंगे आप जो चीज़ बोलेंगे आपको कभी आपके जहन से वो कुछ मैं चाहता हूँ मफ्तर आप दोनों अहबाब में से या तो आप, या आप जो वो रिवायत है वो अगर इस मौके पे ना हो तो लुफ्फ़ नहीं आएगा वो तो एक, एक जुमला आपने दिया था लेकिन व जो सरकार मदीना सल्ला वसलम एक जगह पड़ाव डालते हैं और ख़ास पर जब व शहद जो है वह आपकी बारगाह में पेश की तो वो मौल कायन को भेजा और दरूद पाक वाला जो बताइए जरा उस बारे में वो क्या लतीीफ़ मामला है वो मुख्तसर ये है कि शहद की मक्खी जब वापस आती है तो साहबा इक्राम ने सवाल किया था कि क्यों उसमें मिठास कैसे पैदा होती है मुख्तिक फलों से चूसती है कड़वे कुसैले रस होते आ। हैं आ। तो हजूर ने हज़रत अली की ड्यूटी लगाई कि आप पीछे जाएँ शहद की मक्खी के इस तरह की एक रिवायत है जी 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 तो उसमें यह है कि शहद की मक्खी ने खुद बताया कि हमारी जो अमीर है हम उसकी इतात करते हैं जब हम रस लेकर वापस पलट रहे होते हैं अपने घरों की तरफ तो हमारा अमीर वो दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती है सुबह और हम भी उसकी इतबा में सब दरूद पढ़ने लगते हैं अल्लाह तो अल्ला करवाहट और उस तुरशी को मिठास के अंदर तब्दील फरमा दे सुबह सुबह और इसके अंदर शिफा पैदा हो जाए सुबह अच्छा एक मैं दो बातें अगर आप इजाज़त हो तो अर्ज़ कर दूँ प्लीज़ इमाम जहरी ने फरमाया शहद इस्तेमाल किया करो इससे यादाश तेज़ होती है अच्छा। हाफ़ज़े की कवत के लिए बेहतरीन टॉनिक है दूसरा फरमाया इमाम ज़हरी अबू अली सीना भी इसको कहते हैं कि ये दांतों के लिए भी बेहतरीन टॉनिक है हज़रत सैदिन अब्दुल्ला बिन उमर की स्किन पर एक दाना निकला अच्छा ठीक है उन्होंने जनाब शहद की उसके ऊपर ना उसको लेप कर दिया वाह कहा जी ये क्यों तो फरमाने लगे कि कुरान ने कहा इसमें शिफा है जरूर फिर शिफा इस में भी शिफा, शिफा होगी वाह उनका यकीन ऐसा था कि उनका वो दाना ठीक हो गया सुबह मर्ज खत्म हो गया वाह तो यकीन देखें इसको इस्तेमाल के साथ साथ अल्लाह के हुक्म पर यकीन भी चाहिए तब चीजें अपने सही माना में असरात पैदा करती हैं बहुत शुक्रिया आप दोनों अब आपका आप, आप तशरीफ तो ला बड़ी खूबसूरत और बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगु रही नाजा ने कराम दो हजार चौबीस का पहला सूरज आज तल्लु हो गया मैं अल्लाह जानता है कल पूरी रात जो है ऑलमोस्ट कोई जागना सोना जागने सोने की कैफियत के अंदर ही सोचता रहा कि दो हजार तेईस का सूरज बज़ाहिर दुनिया के सामने ज़ाहिर गरूब हो चुका लेकिन मैं ये सोचता रहा साहब कि अगर ग़ा की पट्टी की तरफ तसुर तसवूर में जाएँ तो वहाँ एक नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में सूरज ग्रूब हो गए हज़ारों की तादाद वहाँ पर कई माओं के अरमानों के सूरज ग्ररूब हो गए वहाँ कई बहनों के मोहब्बतों के सूरज ग्रूब हो गए वहाँ कई बुज़ुर्गों की जो तो थी अपने बच्चों से उन तवक्कुआत के सूरज गरूब हो गए वहाँ पर कई जवानों के आँखों के अंदर जो उनके मुस्तबिल की चमक थी उस चमक के सूरज गरूब हो गए वहाँ पर कई बच्चे जो अपने वालदेन के लम्स को हासिल करके जिंदगी से खिलखिलाते थे उस लम्स के उस खिलखिलाड़ के सूरज ग्ररूब हो गए वहाँ पर कई मुसलमानों के मुस्कबिल के सूरज नाजरीन सिर्फ गुरूब नहीं हुए बल्कि वो मलबे के अंदर मुकम्मल तौर पर दब के ख़त्म हो गए किस बात का दो हजार चौबीस और काहे का जश्न और काहे का नया साल साहब ये पिछला साल जिस हद तक पूरी दुनिया को मकबूम कर गया है ना और जिस हद तक हमें छलनी कर गया है आप यकीन मानिए मुझे तो ऐसा लगता है ये 2024 का सूरज तुली नहीं हुआ है बल्कि जुल्म की जबर की और यूँ कहिए कि अपना दरिंदगी की और शफाकी की एक और दास्तान रकम होने वाली है ख़ुदा न खास्ता अल्लाह ताला 2023 में जितने भी मुसलमान शहीद हुए उन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए और कबिला अव्वल जो हमारा कबिला अव्वल है अल्लाह ताक़त अदा करे कि हम कुछ कर पाएँ किताबा शहद से इलाज खजून नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स महीने में तीन दिन नहार मुँह एक एक चमचा शहद खाएगा तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी इनशा आइए ज़रा तजीद ही वाल ना सेमिन अल्लाह त हमारा हम सब का पाकिस्तान का उम्मत मुसलिमा का गजा की पट्टी के रहने वालों का हामीन हामी पाकिस्तान का मतलब क्या